उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज में 220 बेड कोविड अस्पताल और प्रदेश की पहली कोबास 6800 लैब का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में दिल्ली से ऑनलाइन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी जुड़े रहे। गोरखपुर NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 2 एम्स, 6 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ब्लॉक की स्थापना और 29 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने COVID-19 की पॉजिटिव दर और मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी में 1.6 करोड़ से अधिक कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 1.6 करोड़ से अधिक कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, भारत सरकार, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सतीश सिंह जी, मुख्य सचिव महोदय, अन्य आए हुए अधिकारी हम, हमारे कुलपति किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के निदेशक SGPGI निदेशक मीडिया संस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और हमारे आज इस बैठक में उपस्थित UDCR और 6 मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश के उसमें भाग ले रहे हैं। प्रयागराज, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के कदमों से हुई, ने 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में जो परीक्षा योजना 150 करोड़ रुपए से नवनिर्मित भवन बना था, इसी को सुसज्जित करते हुए वहां पर 220 शैयायुक्त Level 3 का आधुनिक कोविड चिकित्सालय आज लोकार्पण संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और आज हमारी कैपेसिटी 60,000 के ऊपर इस कोबास लैब के उद्घाटित होने के उपरांत प्रतिदिन RT-PCR की हो जाएगी। ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है और इसमें गुणात्मक रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये दोनों ही प्रयागराज के लिए मील के पत्थर है। मैं ICMR और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत सरकार, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का शुक्रगुजार हूँ प्रदेश सरकार की ओर से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिनके प्रेरणा से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उनके प्रति पूरा सम्मान करते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से मैं अपना माननीय मंत्री जी का धन्यवाद। धन्य जी, आज के विशेष रूप से जिनका मार्गदर्शन हमको सदैव मिलता रहता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भारत सरकार में हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी, हमारे साथी मंत्री सम्मानित श्री जयप्रकाश जी, सम्मानित श्री संदीप सिंह जी, आज जैसा कि अभी आपको बताया गया कि काफी दिनों की प्रतीक्षा के बाद ये उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे इम्पोर्टेंट अवसर है, जो महत्वपूर्ण कार्य आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संपन्न होने के बाद समर्पित किए जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले अपने हाथ से जिसको बनाया था, मैंने देखा कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर प्रदेश में वहाँ के मेडिकल मार्केट में और वहाँ की इंस्टीट्यूशन में
लखनऊ में, झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में, आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, वाराणसी में तो दो ब्लॉक, और इसी प्रकार से IMS वाराणसी और जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वहाँ पर भी दो स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बनकर तैयार हो गए हैं, उपस्थित हो गए हैं। झांसी में जो मुख्यमंत्री जी के दौरान में स्वयं उपस्थित था, कानपुर में जब शिलान्यास हुआ तब भी मुख्यमंत्री जी के साथ था। मैं धीरे से बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा और बहुत स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर्स की सुविधा इनको विकसित किया जा रहा है। यह अवसर वास्तव में अगर हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री संसद के स्थितियों में फंसते हैं, हमेशा राज करते हैं, अगर पहली वाजपेयी जी को स्मरण नहीं करेंगे तो शायद इस अवसर की सही मायने में प्रासंगिकता नहीं होगी। इंद्रनाथ जी को देता हूँ और उनके सही शासन को देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने साथियों को भी सब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया इतनी विषम परिस्थितियों में, और ये अच्छा सोचा आपने कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कम से कम फिलहाल हम कोविड से लोगों की प्राण रक्षा के लिए अगर इस्तेमाल करें तो ये भी एक अच्छा निर्णय है, जिसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर, वी एक्स टेंड अवर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर योर बेनेवोलेंस एंड कांस्टेंट गाइडेंस। और ये जो आज कीर्तिमान है, जो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजेस में क्रांति आई है पिछले 3 वर्षों में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 24/7 लीडरशिप का ही परिणाम है। और मैं इसके लिए DG मेडिकल एजुकेशन प्रधानाचार्य प्रयागराज और समस्त टीचर्स, मेडिकल टीचर्स फ्रेटर्निटी की ओर से आपका साधुवाद देता हूँ। और इसी के साथ अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे बटन दबाकर ये जो दो परियोजनाएं हैं 220 का शुभारंभ करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आशीर्वाद हमको इलेक्ट्रॉनिकली मिलता रहेगा। आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें अपने दो वचन दें, अपने प्रेरणादायक वचनों से आगे किस दिशा में जाना है उसकी ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज में 220 शय्यायुक्त कोविड हॉस्पिटल, दामोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में कोवास लैब के लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब के साथ अभी वर्चुअल संवाद बनाए भारत सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, चिकित्सा शिक्षा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रयागराज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, मान्य सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी जी, DG ICMR, प्रदेश के मुख्य सचिव शारके तिवाड़ी जी,
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, कुलपति KGMU जनरल विपिन पुरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्रधानाचार्यगण, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, मैं भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ICMR का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत न केवल हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई, अभी तो मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए अपना योगदान दिए हैं। और उसी श्रृंखला में आज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन, जिसे हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में स्थापित किया है, उसका उद्घाटन आज यहाँ संपन्न हो रहा है। साथ ही प्रदेश की पहली कोवास लैब का भी उद्घाटन आज यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाली इस लैब का उद्घाटन आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए प्रयागराज वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, अपने सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने इस देश को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लोगों को एक रचनात्मक सोच दी, और उस रचनात्मक सोच के अनुरूप उसे जमीनी धरातल तक पर उतारने के लिए उस प्रकार की ऊर्जा से उत्प्रोत भी किया। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है, इसी का परिणाम है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 2 एम्स, 6 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेजेज में मेडिकल ब्लॉक्स की स्थापना और 29 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना, एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। यानी 6 वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने यह पाया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बने थे, लेकिन आज हमने इसको काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय समय पर मिले मार्गदर्शन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव और उनके सहयोग से आज उत्तर प्रदेश अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में महसूस करता है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जहां बन के तैयार हो चुके थे, वहां पहले ही हमने कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसका उपयोग करना प्रारंभ किया, और आज प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में इस ब्लॉक के उद्घाटन के साथ ही इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदलने की कार्रवाई को पूरी
पूरा करते हुए आज हम इसे लोकार्पित करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वास्तव में कार्य करने की इच्छा शक्ति सदैव परिणाम की ओर लेके जाती है और ये इच्छा शक्ति केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने पिछले 3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश में करके दिखाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैसे कि हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बताया कि हमारे पास एक्टिव केस आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में पिछले 17 दिन में 22,000 से कम हुए हैं, से अधिक कम हुए हैं, और जो ट्रेंड चला है वो इस बात को साबित करता है कि अगर हमने टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा करके फोकस टेस्टिंग के माध्यम से इस प्रक्रिया को इसी रूप में हम आगे बढ़ाते रहे तो आने वाले 1 महीने के अंदर, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बना रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर हम लोग COVID-19 को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन हम लोगों के लिए ये उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाई गई कार्य योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव और सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। 25 मार्च से प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और मुझे लगता है इसके बाद से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मार्गदर्शन समय समय पर दिया जाना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ICMR से भी समय समय पर जो संवाद और जो उनके द्वारा उनसे जो भी सहयोग मांगा जाता रहा, सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहा, जिससे इतनी बड़ी आबादी के राज्य में कहीं भी हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। क्योंकि COVID-19 के प्रारंभ होते समय हर एक व्यक्ति की निगाहें उत्तर प्रदेश के अंदर थी कि 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश कैसे नियंत्रित होगा, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस बीमारी, इस महामारी को रोकने में सफलता हमें प्राप्त होगी। सबकी ढेर सारी आशंकाएं थी, हमारे पास प्रारंभ में टेस्ट की क्षमता नहीं थी, हमारे पास बेड्स मौजूद नहीं थे, 36 जनपद ऐसे थे जहां पे हमारे पास एक भी वेंटिलेटर नहीं मौजूद था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 2.25 लाख कोविड बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 2.25 लाख तक के टेस्ट हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रत्येक जनपद में Level 1, Level 2 के हॉस्पिटल मौजूद हैं और हर एक जनपद में हमने ICU बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। हमारे पास दवा की कमी नहीं है, PPE किट, N95 मास्क की कमी नहीं है, सैनिटाइजर की कमी नहीं है, और हर एक कार्य को पूरी व्यवस्थित तरीके से प्रदेश की हमारी टीम, जनपद की हमारी टीम, कोरोना वॉरियर्स पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, किस कोवास लैब की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, यद्यपि अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 3 कोवास लैब प्रदान की थी, लेकिन राज्य सरकार के किसी मेडिकल कॉलेज में यह पहली लैब हमें यहां प्राप्त हो रही है। RT-PCR से जो हम लोगों ने अब तक टेस्टिंग की क्षमता विकसित की है,
जिसमें हम लोग लगभग 60,000 टेस्ट प्रतिदिन के आसपास पहुंचे हैं। बाकी शेष टेस्ट हमारे यहां अभी तक एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहे हैं या ट्रूनेट मशीन से टेस्ट हम यहां पे संपन्न कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि कोवास लैब प्रयागराज में स्थापित होने के बाद टेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के साथ ही आरटीपीसीआर से होने वाले टेस्ट की क्षमता को हम लोगों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर जहां केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग और अपना सुझाव देते रहे हैं। वहीं साथ ही साथ मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस बात के लिए कि टेस्टिंग का जो पार्ट था प्रदेश में वह ज्यादातर हम लोगों ने मेडिकल एजुकेशन को ही दिया था, और कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम क्षमता को इतना विस्तार कर पाएंगे कि आज के दिन पे 1,06,00,000 से अधिक टेस्ट हमारे यहाँ संपन्न हो चुके हैं। और कोवास लैब प्रयागराज में प्राप्त होने के बाद ये क्षमता और भी वृद्धि होगी। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना योगदान देगा। जो एक खबर लगातार बहुत सकारात्मक खबर है कि हम वैक्सीन बहुत शीघ्र लेकर के आने वाले हैं, इसका ट्रायल यद्यपि प्रारंभ हो गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए जो भी आपने एक अपेक्षा रखी है, हमारे यहां वैक्सीनेशन के लिए जो कोल्ड चेन स्थापित करना है ये हमारे यहां पहले से मौजूद है। हमारे पास उस प्रकार की सुविधाएं हैं क्योंकि यहां पे हम लोग हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित करते हैं, कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद में, कभी 38 जनपदों में, कभी पूरे प्रदेश को ही हम इसके दायरे में लेते हैं। तो कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई हम लोगों ने तब से प्रारंभ की है वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों ने उसको और भी स्ट्रेंथन किया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार डॉक्टर हर्षवर्धन जी 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने थे तो उनकी पहली बैठक मेरे साथ ही हुई थी, तब मैं गोरखपुर से सांसद था और पहली बैठक में ही मस्तिष्क ज्वर के बारे में चर्चा हुई थी। मैं आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से लगभग 725 मौतें हुई थी और 3,900 से अधिक इंसेफ्लाइटिस के मरीज सामने आए थे। इस वर्ष मरीजों की संख्या घटकर के 700 हुई है और मौत के आंकड़े भी लगभग 21-22 तक आए हैं, यानी इतना नियंत्रण हुआ है और वर्ष दर वर्ष ये संख्या घटती गई। हमने यहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ ही बेहतर सर्विलांस और इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से लोकल स्तर पर ही पीएससी सीएससी स्तर पर ही जो सुविधाएं देनी प्रारंभ की। और जब आप पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, खासतौर पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में, हर जनपद में सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्तर पर मिनी पेडियाट्रिक्स के आईसीयू की स्थापना की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई थी वो सफलतापूर्वक संचालित करने, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के ट्रेनिंग के कार्यक्रम, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के भी ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम हम संपन्न किए थे उसका परिणाम रहा कि हम आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं, और यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 1-2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह इस क्षेत्र से समाप्त होगी। और मेरा हम लोगों का ये अनुभव
कोविड-19 को नियंत्रित करने में भी काफी कारगर साबित हुआ है। अंतर विभागीय समन्वय के कार्यक्रम और ये निरंतर सिलसिला हमारा आज भी निरंतर चल रहा है। मैं एक बार फिर से आज जब हम लोग प्रयागराज में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रयागराज को उपलब्ध करा रहे हैं, प्रयागराज हमारे लिए आस्था की भूमि भी है और साथ साथ वह उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र होने के नाते देश की स्वाधीनता के अभियान में भी प्रयागराज का बड़ा महत्व रहा है। प्रयागराज को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के रूप में 220 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दिया जा रहा है, जिसमें 140 बेड तो आईसीयू के होंगे, शेष 80 बेड्स वहां पर आइसोलेशन के होंगे। आईसीयू के 140 बेड्स में वेंटिलेटर और एचएपीएनसी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ट्रेंड स्टाफ वहां पर मौजूद है, उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकी आइसोलेशन बेड में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निश्चित ही प्रयागराज के साथ साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, आसपास के क्षेत्र के काफ़ी बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। मैं एक बार फिर से माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को निरंतर सहयोग देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आईसीएमआर से जुड़े हुए अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी इस पूरी टीम को एक समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उन संस्थाओं को जिन्होंने हमें सीएसआर से भी योगदान दिया है, उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रयागराज और उसके आसपास के सभी जनप्रतिनिधियों और वहाँ के जनता जनार्दन को भी मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।